हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फैक्ट टेबल्स इन TWM। फैक्ट टेबल्स होते क्या है एग्जैक्टली? फैक्ट टेबल्स मतलब कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईयरली, मंथली और डेली प्रॉफिट, मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तो जो सेल्स का जो अमाउंट होगा, अभी फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं, सेल्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़, लेट्स कंसिडर 100 INR। अभी ये जो 100 INR है, ये काफ़ी मतलब सिंपल एग्जांपल है। 100 INR तो कभी होगा नहीं सेल्स प्रॉफिट, इट विल बी मोर देन 100 रुपीज़। तो ये जो 100 रुपीज़ जो जनरेट हुए हैं, ये होता है अपना फैक्ट, ठीक है, ये होता है फैक्ट टेबल। और इसके मतलब ये 100 रुपीज़ आए कहाँ से, ये जो इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये होती है वेरियस डायमेंशंस, ठीक है। अभी ये जो वेरियस डायमेंशंस होती है वो कौन सी हो सकती है, डेटा डायमेंशंस, ठीक है, उसके बाद में स्टोर डायमेंशंस, उसके बाद में टाइम होता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ये डेटा और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी हम बोल सकते हैं इसे। तो ये सारे जो वेरियस मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं डायमेंशंस, ओके। और ये जो डायमेंशंस है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्ट टेबल के आउटपुट के लिए। अगर आपको ये जानना है कि 100 रुपीज़ आए कहाँ से, तो ये आए हैं इन पर्टिकुलर डायमेंशंस से, ओके। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मुझे, मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है, और ये स्टोर का मुझे मंथली सेल्स रिपोर्ट चाहिए, ओके, मैं बता रहा हूँ सेल्स रिपोर्ट के बारे में। तो मुझे ये चारों डायमेंशंस तो ज़रूर है, रिक्वायर्ड है। तो ये चारों डायमेंशन से मुझे क्या क्या डेटा मिलेगा, तो सबसे पहले जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से मुझे क्या पता चलेगा कि मुंबई में, मुंबई, थाने, ये सारी जो है ये जियोग्राफिकल लोकेशन से। अगर मेरे पास मल्टीपल लिंक ऑफ स्टोर है, मतलब एक शॉपर स्टॉप का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, शॉपर स्टॉप कंसिडर करिए, या फिर डी मार्ट कंसिडर, बेस्ट एग्जांपल विल बी द डी मार्ट। तो डी मार्ट के जो सप्लाई, मतलब जो शॉप्स है, जो शॉपिंग शॉप्स है, वो हर एक सिटी में है आई गेस। तो ये अगर मुझे एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठ के अगर ये पूरा डेटा चाहिए, तो सबसे पहले मुझे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुंबई में है, थाने में है, और डाउन साइड में है, और कर्जत, कसारा, ये सारे जो अदर अदर लोकेशंस है वहाँ पर भी है डिमांड। तो मुझे क्या पता करना है कि अभी फॉर एग्जांपल मुंबई में कितना सेल हुआ है, ठीक है, मेरा मुंबई का प्रॉफिट कितना है। तो मैं पर्टिकुलरली ये डायमेंशन के ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूँगा, और उसके बाद में मुझे क्या पता करना है, टाइम, तो मंथली मैंने बोला है, तो ये जो डायमेंशन है मेरी टाइम वाली, इसको मैं लूँगा। और यहाँ पर टाइम, टाइम के बारे में कैसा होगा, डेली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, ठीक है। जनरली ये टाइम के बारे में इस प्रकार से होता है। तो मुझे अभी क्या होता है, क्या चाहिए, मंथली सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तो मैं पहले सेलेक्ट किया हूँ मुंबई, ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा मंथली, और उसके बाद में मुझे सेल्स रिपोर्ट चाहिए। तो सेल्स रिपोर्ट मतलब अभी मेरे पास कौन से प्रोडक्ट सेल हुए, तो उसका जो रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर होगा। तो सेल्स, प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर आएगा, और यहाँ से मुझे वैल्यू रिटर्न होगा कि एक्स वाई जेड अमाउंट का, एक्स वाई जेड अमाउंट के प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं पर्टिकुलरली, और ये जाएगा मेरे फैक्ट टेबल के अंदर। इतना सिंपल है। और भी इसके अंदर हम एग्जांपल लेके थोड़ा अलग तरीके से जान सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको खाली बता रहा हूँ फैक्ट टेबल के बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट फैक्ट टेबल। क्योंकि फैक्ट टेबल को लोग बहुत ही कुछ अलग अलग प्रकार से कंसिडर करते हैं, लेकिन फैक्ट टेबल बेसिकली एक फैक्ट होता है, एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के सर्च ऑपरेशन, या फिर कोई आप कंसिडर कर लीजिए एक डीमार्ट का एग्जांपल। तो उसके अंदर अगर मुझे सेल्स रिपोर्ट जानना है, तो ये जो सेल्स का जो अमाउंट होगा, दैट विल बी माय फैक्ट, क्योंकि ये तो चेंज होने वाला नहीं। एक ऐसी चीज़
जो रियलिटी में अवेलेबल है, ठीक है, इट्स नॉट अ वर्चुअल थिंग, क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ जनरेट हुए हैं वो एक्चुअली जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्ट टेबल उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कंसिडर करता है और अपने डेटाबेस के रिकॉर्ड्स के अंदर बताता है। सो दैट्स इट, अभी ये फैक्ट टेबल के बारे में इतना ही था, और मैं इसके बारे में DWM के बारे में और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अलर्ट बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।